एक अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। क्या मुर्दा कब्र में जिंदा हो गया? लाहौर में चूंग के कब्रस्तान में कब्र से आवाजें आने लगी। सोशल मीडिया पर कब्र के हवाले से बहसों मुबाहिसे और तबसरे किए गए। कब्र के मामले की हकीकत क्या? असल कहानी सेवन न्यूज पर आ गई। बेनकाब पुलिस को 25 जुलाई को शबीर नामी शख्स की लावारिस लाश मिली। वुरसा के आने पर जिना अस्पताल से लाश हवाले कर दी गई। वुरसा ने पहले चूंग के कब्रस्तान में शबीर को सुपुर्दे खाक किया। चंद रोज के बाद कब्र से आवाजें आने का ढंडोरा पीटा गया। क्या मुर्दा कब्र में जिंदा हो गया है? लाहौर में चूंग के कब्रस्तान में कब्र से आवाजें आने लगी हैं। शबीर को आवाज दें तो आगे से जवाब मिलता है। शबीर की वालदा का दावा, कहती हैं अल्लाह ने मेरी सुन ली है। शबीर दो बच्चों का बाप था, बच्चों का सहारा वापिस आ रहा है। माँ को यकीन, कहती हैं पुलिस इनकी बात नहीं सुनती। शबीर कब्र में जिंदा है और बाप इख्तियार मदद करें। इस वक्त हमारे साथ शबीर की वालदा मौजूद है। माँ जी, क्या मामला है? एक गल ना, कब्र धड़क दी पई सी, पिछों ठक ठक दी आवाज आ रही सी। उसले फिर असी आके ते राती फिर आवाज सुनी, फिर असी सारिआं नूं फोन कीता। उन्हें आके सानू कब्र नहीं खोतन दी, उन्हें आके मसरेट दे आर्डर लियाओ। अच्छा माँ जी, ये भी बताइएगा कि अब आप क्या चाहती हैं? लग्या कबर पट्टो, मेरा बेटा जींदा, कोई मेरी फरजाद बेवा हो रहा था, कोई फरजाद नहीं मेरी सुन रहा। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। माँ जी का कहना है कि शबीर को आवाज दें तो आगे से जवाब मिलता है। शबीर की वालदा दावा करती हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरी सुन ली है। शबीर दो बच्चों का बाप था, बच्चों का सहारा वापिस आ रहा है। माँ को यकीन, कहती हैं पुलिस इनकी बात नहीं सुनती। शबीर कब्र में जिंदा है और बाप इख्तियार मदद करें। शबीर को आवाजें दें तो आगे से जवाब मिलता है। शबीर की वालदा का दावा, कहती हैं अल्लाह ने मेरी सुन ली। शबीर दो बच्चों का बाप था, बच्चों का सहारा वापिस आ रहा है। मां को यकीन, कहती हैं पुलिस इनकी बात नहीं सुनती। का अजाब है, ये रब जाने वुरसा को कहा है कब्र पर कुरान खानी कराएं, अजाब है तो टल जाएगा। एसएचओ साहब ने कहा है कब्र कुशाई करनी है तो ऑर्डर ले आओ, अगर हुक्म मिल जाता है तो हम आपके साथ कब्र कुशाई करेंगे। पांच रोज गुजर गए, ये कब्र की तरफ भागते हैं, ऑर्डर नहीं लाते। अगर इन्हें यकीन है कि इनका बंदा जिंदा है तो कैसे इंतजार कर रहे हैं इतना? वुरसा ने बगैर ऑर्डर के कब्र कुशाई की कोशिश की। मंगल के शब 8 बजे हम कब्रस्तान पहुंचे तो दो बंदे गिरफ्तार किए। दोनों बंदे स्लैपों तक पहुंच गए, ऊपर से धर लिया गया। अगर बंदा जिंदा होता तो स्लैपों की आवाज नहीं आनी थी, उसने आना था। हमने उन्हें फिर कहा जाओ अल्लाह अल्लाह करो, कोई अजाब होगा तो टल जाएगा, ये लोग मानते ही नहीं। पुलिस एहलकार का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 5 दिन पहले हफ्ते का वक्त हुआ है, इन्हें कि कबर की आवाज आ रही है। असि मौके से बन पी कर रहे, असं मौके से आए हैं, इन्हें कहना इन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ ना मगर स्लैपों इंज ना कोई ठोकर ला रहा है। ये रब न पता है सीधा है या रब की तरफ कोई अजाब आ रहा है? इतवार सवार मंगल बुध 5 दिन हो गए, ਇਹ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੇ ਸਟੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਗੋ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੇ ਸਟੇਟ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕਬਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ 8:30-9 ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ, ਸਲੈਪਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਗਈ ਸਲੈਪਾਂ ਤੀਕਰ, ਖੋਲਣੇ ਮੈਂ ਸਲੈਪ ਨਹੀਂ ਚਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੈਪਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਸਲੈਪਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਪਾਂ ਦੀ ਖੜਖੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੁਲਾਏਗੀ, ਲਿਆਓ ਗੱਡੀ, ਲਿਆਓ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪੁਛਾੜੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਮਿੱਟੀ ਚਾ ਰਹੀ, ਸਲੈਪਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲੈਪਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਪੜਾਓ।
सोशल मीडिया पर कब्र से शोर की खबर वायरल होने के बाद दिन भर शहरी चूंग कब्रस्तान के चक्कर लगाते रहे, मोबाइल पर वीडियोस बनाते रहे। शबीर की मौत कहां हुई, लाश अस्पताल से कब वर्षा के हवाले की गई। सेवन न्यूज ने शबीर का डेथ सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है। इस वक्त नुमाइंदा सेवन न्यूज मलिक मुश्ताक कब्रस्तान के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मलिक मुश्ताक बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर इलाका चूंग के उस कब्रस्तान के बाहर जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि तीन चार दिन से कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर चूंकि मैं कब्रस्तान के बाहर मौजूद हूँ और सारा दिन यहाँ पर लोगों का जमे गफीर जमा रहा और मुतलका थाने की पुलिस के जो अहलकार हैं वो लोगों को रोकते रहे, चूंकि शरई लिहाज से भी इस तरह से कब्र कुशाई कभी भी नहीं हो सकती। इस हवाले से चूंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश लोगों का दिखाई दे रहा है और आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर भी आमतौर पर जोर से कब्र पर हाथ मारने के बाद शबीर जोर से बोलो, शबीर पैर वाली साइड तो शबीर जरा जोर नाल, इस तरह की आवाज़ें मतलब वो लोग अपना हाथ रख के आवाज़ें लगा रहे थे। तो इस हवाले से मैं चूंकि कब्रस्तान के बाहर मौजूद हूं और यहां पर पुलिस की नफरी तैनात है, पुलिस वालों का कहना है कि किसी को भी कब्रस्तान के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, चूंकि वाकया कुछ इस तरह से पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है। चूंकि मेरी बात हुई थाना चूंग के SHO हमाद हसन भट साहब जो कि मंजे हुए पुलिस वाले हैं, उस तमाम ऐसे कई केसों से वो गुजर चुके हैं, तो उनका ये कहना है कि 25 तारीख के दिन इस शबीर नामी शख्स की डेथ हुई और चूंकि मेरे पास उसका डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है जो चना अस्पताल से बॉडी को वसूल किया गया, ये बिल्कुल मेरे पास मौजूद है। और बॉडी को वसूल करने के बाद इस बॉडी को चूंकि ये पुलिस को मिली थी ये बॉडी और पुलिस की निगरानी में इस शख्स को जो है इसी कब्रस्तान में दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद चूंकि आज 16-17 दिन गुजर चुके हैं और उसके बाद लोगों का यह कहना है कि 3 से 4 रोज़ पहले इसी कब्र से आवाज़ें आना शुरू हो गई और मुख्तलिफ बातें किसी ने यह भी बताया, चूंकि कोई भी शख्स अभी तक सामने नहीं आया हकायक लेकर हकीकत लेकर या जिसने भी जो बात कही है उसकी हकायक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बताया ये गया कुछ ये भी अफवाह सुनी गई कि सरिया जो है लोहे का राड जो है कब्र में फेंका गया जो किसी ने नीचे से खींच लिया। और उसके बाद चूंकि शरई लिहाज से पाकिस्तान में दो कब्रें बनाई जाती हैं सामी और दानी, और जो सामी कब्र है वो ज़मीन के लिहाज से बच्चों की बनाई जाती है, चूंकि ये इस शख्स की उम्र जो बताई जाती है वो 25 साल के करीब बताई जा रही है और पुलिस की निगरानी में इसे दफन किया गया और इसकी कब्र दानी बनाई गई थी और दानी कब्र पर उसके बाद जो है वो कंक्रीट की स्लैब रखी गई थी और उसके बाद मिट्टी डाली गई थी। मुमकिन नहीं है कि कब्र से आवाज़ आ सके, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोगों का जमे गफीर है और लोग दूर दूर से इस कब्र को देखने के लिए, ना सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोग जो हैं कब्र पर अपना हाथ रख के आवाज़ें लगा रहे हैं। इसी हवाले से पुलिस का ये कहना है कि ये लाश जब हमें पता चला और लाश हमने वसूल की, इसे दफन कर दिया, तो बार बार जब इसके लवाहिकीन सामने आए तो उनका कहना है कि हमारा बेटा जो है वो कब्र में जिंदा है, जिस पर पुलिस का कहना है कि आप मुतलका मजिस्ट्रेट साहब से कब्र कुशाई की इजाज़त लेकर आएँ तो इस कब्र को खोदा जाएगा। इससे पहले भी बताया गया है कि कुछ लोगों ने इस कब्र को खोदने की कोशिश की है और उन्होंने मिट्टी हटाने की कोशिश की कब्रस्तान के अंदर, जिसे पुलिस ने रोका। और पुलिस का ये कहना है कि मजिस्ट्रेट के आर्डर चूँकि अब मिल चुके हैं और मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से, चूँकि 2 दिन 9वीं और 10वीं मुहर्रम की वजह से तमाम अफसरान जो है वो मुहर्रम की छुट्टियों पर थे और छुट्टियों की वजह से 2 दिन जो है वो लेट हुआ है और कोशिश की जा रही है कि 2 दिन बाद जो है इस कब्र कुशाई की जाएगी। और चूंकि इसके लवाहिकीन की तरफ से, इसकी वालिदा की तरफ से, इसके रिश्तेदारों की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है कि हमारा जो बेटा है वो कब्र के अंदर ज़िंदा है, वो आवाज़ें लगा रहा है, इस हवाले से चूंकि कब्र कुशाई की जाएगी। उसके बाद आपको बताता चलूं कि एक और बात बताई जा रही है कि इस शब्बीर नामी शख्स की मौत कैसे हुई थी, चूंकि मुख्तलिफ लोगों ने यह बताया है कि शायद इसे किसी ने इंजेक्शन लगा के मारा है, इसे जहर दे के मारा है। बहरहाल पुलिस का ये कहना है कि जब कब्र कुशाई होगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम जब शुरू किया जाएगा तो पता चल जाएगा, तमाम हकायक सामने आ जाएंगे कि इसकी मौत
किस वजह से हुई और वो उसके मुताबिक जो होगा वो कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी अगर ये मुकदमा दर्ज करवाना चाहेंगे। लेकिन ये तमाम काम जो है पोस्टमार्टम के बाद होगा, ताकि पोस्टमार्टम होने के बाद हकायक सामने आएंगे और उसके बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई कर सकेगी और पुलिस को बाकायदा जो दरख्वास्त जो है इनके लवाकिन की तरफ से दी जाएगी। लेकिन जो मसला अब चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग कब्रिस्तान में, लोग बिल्कुल दूर दूर से, मैं आपको बताता चलूँ, दूर दूर से जब लोग आवाज़ सुनते हैं या कोई ऐसी अफवाह सुनते हैं तो आते हैं। इस तरह काफ़ी आज सारा दिन भी यहाँ पर जमे गफीर रहा लोगों का, लोग का रश था काफ़ी, तो पुलिस ने जो है लोगों को ना सिर्फ कब्र से हटाया बल्कि कब्रिस्तान और उस कब्र की तरफ जाने से मना कर दिया। यहाँ पर थाना चूंग की पुलिस सारा दिन जो है लोगों को हटाती रही, बल्कि कुछ लोगों को जो ज़बरदस्ती कब्रिस्तान या कब्र पर जाने की कोशिश कर रहे थे उनको रोका भी गया, उनको पकड़ा भी गया और उनको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया कि दोबारा ऐसा ना करें, चूँकि ये कानूनी मामला है और कानूनी मामला इसी तरह से होते हैं कि लवाहिकीन की तरफ से कब्र कुशाई के लिए बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की जाएगी और की गई है और उसके जो ऑर्डर हैं अदालत के उसके मुताबिक जो है वो डॉक्टर होंगे और पूरी एक टीम होगी और पुलिस के अहलकार साथ मौजूद होंगे, उनकी मौजूद डॉक्टर होंगे, पूरी टीम होगी। मलिक मुश्ताक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कब्र से आवाजें सुनी हैं, अहले इलाका की भी तस्दीक कहते हैं आवाजें इंसानी तो नहीं लेकिन ठक ठक की आवाजें आती हैं। शब्बीर को आवाज दें तो ठक ठक की आवाज आती है, कब्र से आवाजें सुनी हैं, अहले इलाका की भी तस्दीक। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। वालदा आई किसी जी उन्हें आखा से कबर च आवाज आ रही कबर ना कान लग सुनी सी उनकी वालदा आंदी कि मेरा बेटा जिंदा है। अच्छा। तो पुलिस वाले फिर जरा पकड़ लिया या की आते गए लै गए गए उनके भरा पकड़ के लै गए उनकी वालदा ने पकड़ के लै गए गए ते उस तो बाद फिर उन्होंने कोई वारस नहीं आया। कैसी आवाज आती है कब्र में से? जैसे कोई नीचे से कोई ठक ठक की आवाज आती है, बोलने की आवाज नहीं आती है, नीचे से कुछ जैसे जो है ना टांगे लगा रहा है या मुक्के दगा रहा है उसको, इस तरह की आवाजें आती हैं। जब आप उसको कब्र के पास जाते हो तो वाइब्रेशन ऑलरेडी आ रही है उधर? नहीं, जब बाहर से कोई आवाज देता उसी वक्त आती है। अच्छा, मतलब आप पुकारते हो तो वो आगे से जवाब देते हैं? जब पुकारते हैं वो आगे से जवाब देता, उससे पहले नहीं देता। और इस इतना वाकया ये डेली हो रहा है, डेली हो रहा है इस तरह आवाजें का? ये 5 दिन हो गए हैं इसको डेली आवाज आती है। इस सारे मामले पर गुफ्तगु करने के लिए हमारे साथ आसिफ जदा के एंकर पर्सन मुशारिफ फारूकी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी मुशारिफ बताइएगा, आज आपने इस स्टोरी को दिन भर कवर भी किया, बताइएगा सर मामला है क्या? थैंक यू वेरी मच। बेसिकली हम लोग हर वीकली बेस पे जब जाते हैं ऐसी लोकेशन इन्वेस्टिगेट करने, तो वहाँ पे मोस्टली ऐसी लोकेशंस होती हैं जिसपे आसेबी मामलात होते हैं। इसका जब मुझे पता लगा तो आज मैं सारा दिन वहीं रेकी के लिए गया था। उसके इर्द गिर्द मैंने कुछ चीजें नोट की हैं, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे वाइब्रेशन और साथ कुछ फैक्ट्रीज हैं जिसकी मैंने वाइब्रेशन वहाँ पे खुद महसूस की वहाँ पे खड़े होके। एक तो ये हो सकता है कि वहाँ पे कब्रिस्तान में जब कोई वाइब्रेशन आती है या फैक्ट्री में कोई ऐसा काम होता है तो उसकी थोड़ी सी बीट्स की वजह से वो कुछ वो लोग कह सकेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे मामला कब्र में से आ रहे हैं। और अगर हम साइड डिस्क के लिए बात करें, अगर 25 लास्ट मंथ की उसकी डेथ डिक्लेयर की गई थी और इतने दिन गुजर गए हैं उसके बाद इसको जिंदा कहना वो थोड़ा सा डाउटफुल हमारे वाले से है। और उसके अलावा एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करता चलूं कि काफी लोगों ने कहा कि ये कब्र का अजाब भी हो सकता है, कुछ ऐसा जानवर भी इस कब्र में मौजूद हो सकते हैं, अगर वो थोड़ी सी मूवमेंट कर रहे हैं तो शायद उनकी कुछ आवाज सुनाई दी जा रही है। मुशारे बताइएगा, आप पहले भी बड़े प्रोग्राम करते रहे तो क्या इस तरह का वाकया पहले भी कोई भी आपने देखा या कभी कवर किया, रूनमा हुआ कभी? मैं वही पहले मैंने अर्ज किया, हम ऐसी जगहों पर जाते हैं वहाँ हमें ये जरूर होता है कि जी कब्र में से आवाजें आती हैं, रोने की आवाजें आती हैं। और जब मैं मोस्टली कब्रिस्तान में जब इन्वेस्टिगेट करने गया हूँ तो वहाँ ऐसे मामला मैंने इस तरह नहीं देखे, लेकिन दूसरे मामला आग का नजर आ जाना, जानवरों का नजर आना, लेकिन कब्र में से इस तरह इंसानी कहना कि वो जिंदा हो गया, ऐसी पहले हम लोगों ने चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं किया ना रेकी की है। मुशारिफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आलम दीन अबू अब्दुल्ला और अबू अब्दुल्ला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी कब्र पर अजाब हो और जिंदा इंसान उसे महसूस कर सके?
नहीं देखिए जी, कुछ मामला अल्लाह अज़्ज़ल के हैं जिनमें बुखल होना इंसानी बस की बात नहीं है। ये महज हम मफूजे कैम कर सकते हैं कि मतलब ऐसा हुआ है। देखिए अजाब का और मतलब राहत का मामला ये तो अल्लाह के निजाम है ना, हम कुदरत उसकी देख सकते हैं, जो उसके बिल्कुल आईन है कानून है उसमें हम बुखल नहीं हो सकते। तो जिस तरह का आज वाकया सुनने को मिला, तीन चार दिन से ये मेरे इलाके में काफी अभाम पाया जा रहा है, मुख्तलिफ चैम गोइयां हैं, मुख्तलिफ किस्म के मतलब मामला पेश किए जा रहे हैं। पर बात सीधी सीधी है कि जब रूह जिस्म से अलहदा होती है तो इसी का नाम मौत है जी। और जब सर मौत वाजे हो गई तो रूह का तो जो मस्कन है वो आलम अरवाह है, वो आलम अरवाह हमारी आंख से ओझल है। कुरान में अल्लाह फरमाता है मरने वाले और तुम्हारे दरमियान एक दीवार द्वार हायल है। तो देखिए हम आलम अरवाह के बारे में कुछ क्या सराहियां नहीं कर सकते, ये एक निजाम है, एक दीन का सिस्टम है जी। तो जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अजाब अजाब के लिए ये कब्र जो दुनियावी कब्र है हम इसको मरकज नहीं बना सकते, वो एक आलम बरज़ख का अलहदा अल्लाह ने निजाम तरतीब दिया है, वो अल्लाह जानता है या उसके बरगजीदा बंदे और रसूल जानते हैं। हर इसमें हम कोई राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपने जराय से भी मतलब पूछा, हमने वहां का विजिट भी किया, हमने उसको देखा भी। देखिए उसके साथ साथ इंडस्ट्री है, उस कब्रिस्तान के साथ साथ काफी हैवी इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है। तो वहां पे जब किसी चीज को कंप्रेस किया जाता है या वाइब्रेटर ऑन किया जाता है तो मे भी वहां तक वो शॉक जाते हो और जिस वजह से लोगों को फील होता हो। और हमने लोगों को मतलब अलहदा अलहदा पूछा तो किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये चीज महसूस की है, वो कहते जी लोगों ने महसूस की है। उसमें हम ये सच्चाई नहीं बयान कर सकते और हमारे दीन का इससे कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि हम जब भी अल्लाह के निजाम को मतलब देखेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फरमान को देखेंगे तो कोई भी चीज हमारे दीन में हिस्ट्री में ऐसी कोई शामिल नहीं है जिस तरह ये कहा जा रहा है। मेरे लिहाज से मतलब कोई भी चीज ऐसी हमारे दिन में नहीं आती। रूहानी स्कॉलर अबू अब्दुल्ला हमें बता रहे थे, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। और कब्र में से आवाज़ें अजाब की वजह से भी आ सकती हैं क्या, इस मामले पर हमने अबू अब्दुल्ला से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि इस वजह से अजाब की वजह से भी ऐसे वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो जाते हैं।